हेलो वीवर्स गुड इवनिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गिविंग मे गुड कमेंट तो अभी मैंने सेल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो जस्ट इट वाज़ द नेम ऑफ द सेल्स अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर द फंडल मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज फॉर अपर क्लास जैसे आपको पता है कि हमें कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए होता धागा है ना और धागा कहाँ से मिलता है वो जो आप कॉटन वगैरह लेते हैं है ना कॉटन से हम बनाते हैं धागा और उस धागे को जोड़ जोड़ के हम एक कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं और उस कपड़े से हम पैंट बनाते हैं शर्ट बनाते हैं टी शर्ट साड़ी सॉक्स वो मैनी थिंग्स हम उस कपड़े के पीस से बनाते हैं ना वैसे ही सेल होता है सेल क्या है जैसे फाइबर होता है वैसे ही एक तरह का सेल एक फाइबर होता है जिससे एक टिश्यू बनता है यानी एक शीट बनता है और उसी टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गेन नाक कान दांत पैर है ना हर चीज़ इज एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम सेल ठीक है सेल के टिश्यू से ठीक है तो अब देखिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल फॉर्म है जो क्या करता है एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी और ये साइटोलॉजी क्या करता है सेल्स के और उसके स्ट्रक्चर को जो लिविंग बींग्स को फॉर्म करने में यूज होता है उसके बारे में पूरी बातें वो समझता है स्टडी करता है और पूरा हमें डिफाइन करता है ठीक है यू मीन बाई साइटोलॉजी अ ब्रांच विच इज स्टडी अबाउट दिस सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर जो सेल्स के बारे में समझे और जो उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझे दिस इज नोन एज सेल ठीक है साइटोलो जो ब्रांच उसके बारे में समझेगा है ना जो साइंस पढ़ाएगा वो स, जो साइंस के बारे में समझेगा साइंटिस्ट वैसे ही जो ब्रांच जो है सेल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेगा समझेगा समझाएगा दैट इज नोन एज साइटोलॉजी ठीक है नाउ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड दैट इज सेल सेल क्या है एक स्ट्रक्चर जैसे घर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है वैसे ही बॉडी बनने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ना सेल की जरूरत पड़ती है और सेल क्या देता है एक स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेन्स को मिला के एक फंक्शनल यूनिट बनाता है जो क्या कर किससे पाया जाता है लिविंग बींग्स एनिमल्स में पाया जाता है फर्स्ट द रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑफ लंदन हैव अबाउट द सेल सेल के बारे में किसने ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने और उसने कहाँ नोटिस किया था ही हैज नोटिस ऑन अ बा ऑफ ट्रीज बाक ऑफ ट्री में एक लाइक का स्ट्रक्चर उसने फील किया और हनी में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस में उसने सेल्स को फील किया आफ्टर दैट द बेसिक साइटेरिया ऑफ सेल्स सेल के बारे में कई बातें जो है क्लियर है फर्स्ट इस पर क्या होता है प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मतलब अगर मेरे अंदर जो जे जेनेटिक फॉर्म है जो डीने है दैट विल बी ऑल्सो इन माई चाइल्ड तो क्या है कि इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है वो हर एक जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है है ना एंड आफ्टर दैट ये क्या है सेल इज़ अ स्ट्रक्चर यूनिट स्ट्रक्चर मतलब ये जैसे घर बनाने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ती है सीमेंट की जरूरत पड़ती है वैसे ही लिविंग बींग्स के बनने में जो है स्ट्रक्चर का पूरा मटेरियल जो प्रोवाइड करने का काम किसका है सेल का ठीक है एंड आफ्टर दैट फंक्शनल यूनिट सेल की है एक फंक्शनल यूनिट है कैसे फंक्शनल जैसे आप जो आप डेली एक्टिविटीज करते हो चाहे वो ब्रीथिंग डाइजेशन सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम है ना ऑल दैट जो सिस्टम आर कंप्लीटिंग विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेन है ना और वो ऑर्गेन सब मिल करके जो है आपका सिस्टम कंप्लीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग सिस्टम ब्रीथिंग सिस्टम इज कंप्लीटिंग विथ योर नोस विंड पाइप एंड योर लंग्स तो ये तीनों ऑर्गन मिल करके आपका एक यूनिट बनाते हैं जिसके कारण आपका ब्रीथिंग एक्टिविटी कंप्लीट होता है तो उस सेल क्या है एक फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग बिंग है ना जो है सेल से बना हो, होता है एंड सम हैव वन सेल एंड अनदर है किसी में ज़्यादा है मतलब सिंगल और किसी में न्यूमरस सेल फाइंड होते हैं व्हाट इज दिस सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ अगर सेल नहीं तो कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती ठीक है देन सबसे पहले ऑब्जर्व जब साइंटिस्ट ने किया तो दे हैव हाँ फाउंड आउट कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल किसके अंदर होता है ऑस्ट्रिच में जो 15 सेंटीमीटर का डायामीटर में होता है और लार्जेस्ट सेल्स किसमें होता है एनिमल्स में इन अ नर्वस फॉर्म नर्व्स में जो फॉर्म्स हैं वो उसमें होता है ठीक है फिर शेप्स ऑफ सेल आपके पास जैसे आप देखो हर इंसान का शेप साइज अलग अलग है दिस इज बिकॉज ऑफ सेल्स तो इस शेप्स कैसे कैसे हैं स्फेरिकल एस्पेकल शेप किसम मिलेगा इन एग है ना ब्रांच सेल इन पिगमे सेल्स ऑफ नर्व्स स्लीपर सेल्स है ना स्लीपर सेल्स लाइक स्लीप स्लीपर की तरह दिखने वाला दिस इज फाउंड इन पैरा ओके नाउ नंबर ऑफ सेल्स जो सेल्स हैं इन एवरी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है ना मैंने आपको बताया कि सम हैव वन एंड अनदर है जो फर्स्ट सेल्स टाइप इज यूनिसेलर एंड सेकेंड टाइप इज मल्टी सेलुलर ठीक है सेल का ग्रुप तो जो यूनिसेलुलर होता है दैट इज अ सिंगल सेल यू आर फाइंडिंग एमिवा एंड दिस इसका जो भाई जब एक ही है तो आप उसमें क्या बांटोगे जब आपके पास ज्यादा होगा तभी तो आप कुछ शेयर कर पाओगे तो इन सिंगल सेल देयर इज नो और जब नो no डिवीज़न है तो इट ओके एंड आफ्टर दैट मल्टी सेलुलर क्या होता है ना न्यूमरस सेल्स है

So, uh, you have to repeat it if you want to uh, understand it properly. Just you have listen again and again, and then you will be capable to learn it. So, for today, enough. If you have any confusion, you have to uh, send me a message personally, but it, it is enough for you. So, thank you for uh, your support. And.